दिल्ली में हवा की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार तो आया है, लेकिन अभी भी प्रदूषण से लोगों को राहत नहीं मिली है। हालांकि इस बीच CAQM ने रिव्यू मीटिंग बुलाई है। दोपहर 1 बजे तक दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 341 तक पहुंच गया, जबकि बीते रोज दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 381 दर्ज किया गया था। हालांकि अभी भी प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी से नीचे आ गया है। हवा चलने से लोगों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है। अक्षरधाम मंदिर से दिल्ली के प्रदूषण पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जी मीडिया संवाददाता तरुण कुमार। दिल्ली और NCR के अंदर प्रदूषण से आंशिक राहत जारी है। लगातार दूसरे दिन तेज हवा के चलते देखने के लिए आया है कि जो सीवियर की कैटेगरी के अंदर पॉल्यूशन का स्तर पहुंच गया था, अब वो रिड्यूस होकर वेरी पुअर की कैटेगरी में आ चुका है। दिल्ली का मौजूदा AQI 341 रिपोर्ट हुआ है और इसी के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एयर क्वालिटी कमीशन ने 4:30 बजे ग्रैप पर रिव्यू बैठक बुला दी है। मेरे पीछे आप विजिबिलिटी महसूस कर सकते हैं, ये अक्षरधाम की तस्वीरें हैं। AQI जब सीवियर की कैटेगरी के अंदर पहुंच जाता है, यानी कि 400 से ऊपर, तब अक्षरधाम जो मंदिर है वो बहुत ही धुंधला, बहुत ही ब्लीक दिखाई देता है। लेकिन इस समय आप विजिबिलिटी देख सकते हैं और ये असर हुआ है हवा के चलने के कारण। महसूस हो सकता है अगर आप फील्ड वर्क के अंदर हैं कि लगातार पिछले 48 घंटों से दिल्ली के अंदर हवा बह रही है, लिहाजा जो एक गैस चैम्बर में तब्दील होती हुई शहर की तस्वीरें दिखाई देती थी, अब छटा जो है टूट रही है और जो एयर का एक तरह से डस्ट का बलून बन जाता था दिल्ली के वायुमंडल के अंदर, वो छटता हुआ दिखाई दे रहा है। जो क्यूमुलेटिव फिगर है 341, वो बीते 24 घंटे की रिपोर्ट हुई है और बीते रोज़ यानी कि 5 नवंबर से पहले 4 नवंबर के दिन दिल्ली का और NCR का जो AQI था वो क्यूमुलेटिव फिगर 447 पर रिपोर्ट कर रहा था। इसी के मद्देनज़र 3 दिन पहले CAQM को मौसम विभाग की भविष्यवाणी के आधार पर दिल्ली के अंदर GRAP 4 लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उसका यह असर हुआ था कि प्राइमरी सेक्शन के जो स्कूल थे उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। 5वीं के बाद के स्कूलों की जो आउटडोर एक्टिविटी है उसको बाधित कर दिया गया था। दिल्ली के अंदर ट्रकों की आवाजाही को बाधित कर दिया गया था। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी GRAP 3 के तहत भी पहले से ही बाधित थी। लिहाजा अब CAQM की जो बैठक है उसमें मौसम विभाग भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, उसके आधार पर इस बात की संभावना ज़्यादा महसूस होने लगी है कि शायद CAQM दिल्ली के अंदर ग्रैप 4 को वापस ले लेगा और वापस से दिल्ली के अंदर ग्रैप 3 लागू हो जाएगा। यानी कि स्कूल खुलने का रास्ता, प्राइमरी स्कूल खुलने का रास्ता और ट्रकों की आवाजाही फिर से बहाल हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप वर्मा के साथ तरुण कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।